दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। और अभी हमने प्लानिंग कर रखी लखनऊ जाने की। कल भी लखनऊ गए थे, लेकिन कुछ टेंशन हो गई और टेंशन की वजह से वीडियो नहीं बनाया हमने। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आपको वीडियो बना करके बता ही देते हैं कि अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं या मतलब प्लॉट वगैरह ले रहे हैं तो क्या-क्या समस्या आती है। उस समस्या को मैं दिखाने वाला हूँ और जो कि मैं जूझ रहा हूँ, और भी सारी समस्याएं मैं आपसे बात करूँगा। तो कल भी गया था, कल हिमालयन लेके गया था, और आज हिमालयन को नहीं, आज क्लासिक को लेके जा रहा हूँ। उधर मैंने लगा दिया है। कल एक तो यूपीआई का वो चल भी नहीं रहा था, यूपीआई एसबीआई का काम भी नहीं कर रहा था। तो कार्ड से 2 बार पेमेंट किया पेट्रोल भराने के लिए, और उसमें से दोनों मतलब कुछ आया नहीं, तो मैंने कैश दे के चला गया। और पता चला बाद में कि 300 रुपये डिडक्ट भी हो गया, तो उसका भी हिसाब किताब करना है। और जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम अभी आ गई है, आप भी कभी ले रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान कर रखिएगा, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सपनों का घर कैसे बनता है, कितनी समस्याएं आती हैं, आप भी थोड़ा हो सकता है कि इससे ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, और आप सचेत भी रहें, आपसे वो गलती ना हो और आपको वो समस्या ना आए। ये सब देखिए, जो है हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग हमें छोड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। क्यों, सपनों का घर बन पाएगा कि नहीं? है, जरूर बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा। लेकिन समस्याएं कितनी आ रही हैं? समस्याएं तो आती रहेंगी आती रहेंगी। हमारा काम चलता रहेगा, बनता रहेगा। चलो देखते हैं। तो चलो भाई, अपनी बाइक उठाते हैं। और बाइक के हेलमेट में लग चुका है आपका गोप्रो, और इस बार गोप्रो से ब्लॉगिंग करते हैं और इस पुरानी बुलेट को लेके चलते हैं। तो भैया देखो, अपना सपनों का घर जो बनना था, मैं उस जगह पे आ चुका हूँ। और अभी 3 दिन पहले किसी ने ये बाउंड्री जो है, कोई यादव जी हैं, उन्होंने अपना ये बाउंड्री मार दिया है इधर, और इधर भी एक कोई कॉर्नर पे भी बाउंड्री कर दिया है। अभी जो हमारी ज़मीन है, ये वाली जो प्लॉट है, ये 1 फीट 8 इंच इन्होंने कम कर दिया है। पीछे पिलर लगा हुआ है, पिलर के उधर भी पूरी बाउंड्री इन्होंने कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मतलब आंख बंद करके विश्वास करना भी मतलब किसी के ऊपर आज के ज़माने में मत करना भाई। कुछ पता नहीं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उस पिलर से जब मैंने अपनी ज़मीन को मेज़रमेंट किया है, नापा है, तो कल कल को आया था, 1 फीट 8 इंच कम हो गया है। और उसके हिसाब से अगर आप देखो, 1 फीट 8 इंच के हिसाब से देखो, 55 फीट की गहराई है, तो मान के चलो कि 100 फीट के आसपास, 99 या 100 फीट के आसपास मेरी ज़मीन कम हो गई इसके हिसाब से। तो अब क्या होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कैसे क्या कहानी है, कंपनी क्या करती क्या नहीं करती, कितने दिन में सही करेगी, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है भाई। तो ये मसला है फिलहाल। अब हमको कंपनी से जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा कंपनी से इस चीज़ को ठीक कराने के लिए। देखते हैं ये समस्या। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ज़मीन और जायदाद कहीं कुछ ले रहे हैं तो भाई अपना कब्ज़ा पहले कर लेना, और जब कब्ज़ा कर लोगे, बाउंड्री वाउंड्री डाल लोगे, नहीं दिक्कत आएगी, तब समझिए आपकी ज़मीन। लेकिन हमारे सामने तो प्रॉब्लम हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़मीन कम हुई है। ये जो पिलर वाले हैं, पिलर वाले के बगल में इस साइड से मेरी ज़मीन होती है, पिलर के साइड में मेरी ज़मीन है, और इसका फ्रंट जो है 25 फीट है, गहराई 55 फीट है, कुल 1375 स्क्वायर फीट है। लेकिन अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही भाई इन्होंने जो है बाउंड्री मार दिया है, ऐसी छोटी सी बाउंड्री मार दी है। तो बाउंड्री के हिसाब से जो है मेरी ज़मीन जो है यहाँ तक जा रही है, देख रहे हैं, इस जगह तक जा रही है। इतनी ज़मीन मेरी कम हो गई यहाँ पे, लगभग 1 फीट 8 इंच के आसपास। तो अगर मैं पहले ही पिलर से जोड़ करके बाउंड्री कर लेता तो अगले वाले की कम हो जाती, फिर इसको कहाँ से पूरा करते, या उसकी कम हो जाती। तो ये एक दिक्कत आ रही है। मतलब वैसे ये 255 मीटर उस सड़क से लेकर के इस सड़क तक जो है 255 फीट, शायद मीटर नहीं फीट, ज़मीन है।
और कह रहे हैं कि 255 फीट में 254 फीट ही रजिस्ट्री हुई है, लेकिन इधर सबने अपनी अपनी बाउंड्री मार दिया है। कैसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कब मामला सुलटेगा कुछ जानकारी नहीं है भाई ना। तो प्लॉट में ऐसे ही होता है, इसके पीछे भी ये सारे प्लॉट हैं। कैसे क्या है, इन्होंने अपना भाई सबने अपनी अपनी बाउंड्री मार रखी है। मुझे लगता है कि ये बाउंड्री या प्लॉटिंग में ही सब गड़बड़ है, ये ज़्यादा ज़्यादा किसी ने कर रखा है, इस वजह से जो है कम हो जा रहा है। तो भाई सपनों का घर बनाना इतना आसान नहीं होता है, और सपनों का घर बनाना इतना आसान नहीं होता है, कब बन पाएगा कब नहीं बन पाएगा कैसे बन पाएगा। इन्होंने जो बाउंड्री मार दिया है, किसी में ज़्यादा होगा, ज़रूर ज़्यादा ज़मीन होगी, 1 फीट 2 फीट ज़्यादा ज़मीन होगी किसी ने, या 2 इंच 3 इंच ज़्यादा बढ़ाई होगी। लेकिन ये है कि अब जिन्होंने कब्जा कर लिया है वो तो कहेंगे भाई हमारा इतना कब्जा हो गया, हमारी इतनी ज़मीन हो गई, लेकिन जिनका कम पड़ गया है, जैसे मेरा ही लास्ट में कम पड़ गया, तो कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ जानकारी नहीं है। तो ज़मीन जायदाद में ऐसे मसले चलते रहते हैं, प्रॉब्लम तो होती रहती है। अब वही है, कैसे मामला सुलटेगा, घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा कुछ नहीं पता है, देखते हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, बन जाए, आप सबकी दुआएं हो और ये मामला क्लियर हो जाए तो मैं भी अपना घर बना लूँ, मेरा भी ये रहने का आसियाना बन जाए। कभी फ्यूचर में लखनऊ आएंगे, आप भी कभी आइएगा तो हमारे घर पे रुक सकते हैं। तो भैया घर बनाने की जो टेंशन थी, आज मतलब माता रानी की कृपा से नवरात्रि का पहला दिन था, और जो प्रॉब्लम थी वो पता चल गई, किसी ने 23 फीट की जगह 25 फीट कब्जा लिया है, वो भी प्रॉब्लम दूर हो गई। और टेंशन थी कि हम सरिया कहाँ से लें, मोरंग कहाँ से लें, गिट्टी कहाँ से लें, वो समस्या 2 मिनट में ख़त्म हो गई। हम बैठे हैं न्यू चौरसिया ट्रेडर के यहाँ बैठे हैं, गोसाईगंज में लखनऊ में, और भैया हमारे बैठे हुए हैं, एकदम सारी समस्या। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं। आप समझिए कि अपने घर परिवार में बैठे हैं, भैया ने कह दिया कि बस आप आ गए, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जैसा आप कहेंगे सारी चीज़ें यहाँ सप्लाई होती रहेंगी, पैसे का लेन देन जो भी अपना हो तो एक प्रक्रिया होगी, अपनी प्रक्रिया में चलता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो सामान चाहिए फ़ोन करेंगे, सब चीज़ें हमारे यहाँ पहुँच जाएंगी। तो भैया की दुकान एकदम मेन हाईवे पे है और एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री है, हम भी यहाँ से घर जा रहे हैं, मज़ा आ गया। नवरात्र का पहला दिन और कितना बढ़िया रहा, सारे काम हमारे निपट गए हैं, और यहाँ देखिए पूजा चल रही थी, गृह प्रवेश भी हो गया, और लौटते हुए हम जा रहे थे, हमके मिलते हुए चले थे, देखिए हमारे नसीब में यहाँ पे आज का प्रसाद भी लिखा हुआ था, प्रसाद भी हमें मिल गया। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और जो है ये प्रसाद हमारे मतलब नाम ही लिखा था। दोस्तों अभी पहुँच गए घर पे हम, थके मादे जो है, और ये अपना रोटी वोटी सेक रहे हैं, देखो रोटी जल रही तुम्हारी, करके रखो। तो घर पहुंच गए, खाना वाना बन रहा है भाई, और रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, सिंपल खाएंगे तो सही सलामत घर आ गए। आज का कल पूरा दिन लखनऊ में, आज का पूरा दिन लखनऊ में टेंशन हो गई थी, थोड़ा सा रिलैक्स मिला, लेकिन जब तक हमें वो ज़मीन का पूरा उतना हिस्सा अपना नहीं मिल जाता तब तक तो टेंशन तो रहेगी। अभी मतलब पता तो चल गया 2 फीट किसी ने कब्जा कर लिया है, तो भाई अभी घर तो बनाया नहीं, बस बाउंड्री वाउंड्री ही बना है, तो जब तक वो हमें शिफ्ट होके मिल नहीं जाएगा तब तक टेंशन थोड़ा तो बनी रहेगी, क्यों? हाँ, क्या टेंशन तो बनी रहेगी, मेहनत पसीने की कमाई होती है, एक एक रुपया कैसे हम लोग बचाते हैं, मतलब उसका नाप जो के नहीं बनाएंगे तब तक कहाँ जमीन जायदाद लेने के लिए, और फिर घर बनाने का सपना जो है, मतलब सपनों का घर कैसे बनेगा, मतलब ऐसे पेच भी आ जाते हैं, मतलब देखिए तो बड़ा सतर्कता बड़ी ज़रूरी है भाई, आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिएगा जगह ज़मीन जब खरीदिएगा तो। आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब सही साफ सुथरी ज़मीन मिलना ही मुश्किल है। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, और कुछ लगा कुछ आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय। हेलमेट को पहन के रखिए, जय हिंद जय भारत।